जोजो किड्स। झूठी लोमड़ी। कालू कौवा एक दिन पेड़ पर अकेला बैठा हुआ था, तभी उस पेड़ के पास से एक चालाक लोमड़ी निकली और पूछने लगी, कैसे हो कालू भाई, आज बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं लोमड़ी, कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं, सोचता हूँ आज पास के गांव तक चक्कर लगाया जाए, शायद कुछ अच्छा भोजन मिल जाए। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने सोचा क्यों ना वो कौवे को ही अपना भोजन बना ले। उसने बड़े प्यार से कौवे से कहा, तुम इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों होते हो, चलो मेरे साथ, मेरे घर आज बहुत भोजन पड़ा है, मैंने बहुत सा भोजन जमा करके रखा है। आज तो वैसे भी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है, कल तुम्हारे साथ चलकर मैं भी गांव से अच्छा भोजन करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना भोजन खिला दूंगी। कौवा लालच में आ जाता है और लोमड़ी की बात मानकर उसके साथ उसके घर चलने लगता है। रास्ते में, बहुत अच्छी चालाकी की मैंने, मुझसे बेहतर कोई नहीं, ये बेवकूफ कौवा सोचता है मैं इसे अपना भोजन दूंगी, अरे मेरे पास कोई भोजन नहीं, बल्कि ये कौवा ही मेरा भोजन है। मौका पाते ही लोमड़ी ने कौवे को अपने मुंह में दबोच लिया और उसे खा गई। बेचारा कौवा लालच में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। सांप के अंडे। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे सांप अपने बिल में रहता था। उसी पेड़ पर एक कौवे का छोटा सा घोंसला भी था। सांप अक्सर कौवे के अंडों को खा जाया करता था। कौवा जानता था कि सांप उसके अंडों को खा जाता है, लेकिन वह सांप के डर से उसे कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया और वह उसी पेड़ को काटने लगा जहां सांप और कौवा अपना घर बनाकर रहते थे। पेड़ बहुत बड़ा और मोटा था, इसीलिए उसे काटते काटते लकड़हारा बहुत थक गया और शाम हो गई। बहुत रात हो गई है, अब मैं बाकी का पेड़ कल आकर काटूंगा। मुझे कल सुबह अपने अंडों को किसी भी तरह सुरक्षित जगह पर रखना होगा, पर कैसे? कौवे भाई, आज तो हम बच गए, पर अगर कल सुबह तक हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों के अंडों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम हमेशा मेरे अंडों को खा जाते हो, ये बात मैं बहुत पहले से जानता था, भगवान ने इसी बात की तुम्हें सजा दी है, अब तुम्हारे अंडे भी खतरे में हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। कुछ सोचो, अपने और मेरे अंडों को बचाओ। कौवे ने सांप को माफ कर दिया और कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैंने अपनी दोस्त मधुमक्खी को सुबह सुबह आने के लिए कहा है, वह सुबह आएगी और लकड़हारे को काटेगी, लकड़हारे को यह पेड़ छोड़कर भागना ही होगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगले दिन सुबह शिकारी जैसे ही पेड़ काटने आया, मधुमक्खियों ने उस पर हमला बोल दिया। यह देख शिकारी पेड़ को छोड़कर वहां से दुम दबाकर भागा और उसके बाद सांप और कौवा मिलजुल कर पेड़ पर रहने लगे। मस्तीखोर बंदर। एक बंदर था जिसका नाम था डुग डुग। एक दिन वह घूमते घूमते छोटे से गांव में पहुंचा। एक बड़े से आम के पेड़ पर चढ़कर मजे से आम खाने लगा। पेट भर जाने के बाद वह थोड़ी देर सुस्ताने लगा। अचानक उसकी नजर एक लकड़हारे पर पड़ी जो बहुत देर से एक पेड़ को काट रहा था। अरे ये क्या कर रहा है, यह पेड़ इसके किस काम का, और इसके हाथ में ये क्या है, कैसे काट सकते हैं इतनी छोटी सी चीज से इतने बड़े पेड़ को। बंदर हैरानी से यह सब देखता रहा। आहा,
आज मैंने पूरा पेड़ काट ही लिया। अब मैं जो चाहूँ इन लकड़ियों से बना सकता हूँ। बहुत थक गया हूँ, चलो अब भोजन करके थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। जैसे ही लकड़हारा भोजन खाकर सुस्ताने लगा, उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में चला गया। शैतान बंदर लकड़ी में फंसी कुल्हाड़ी देख सोचने लगा, अरे ये क्या है, इतनी शक्तिशाली चीज है, इतने बड़े पेड़ को तुरंत काट दिया, जाकर देखता हूँ। शैतान बंदर कूदता कूदता उस कुल्हाड़ी तक पहुँच गया और हैरानी से घूमते घूमते उसे देखता रहा। समझ नहीं आ रहा, वो लकड़हारा इस छोटी सी चीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे काट सकता है। कुल्हाड़ी के आगे पीछे घूमते घूमते वह चक्कर लगाने लगा। इसी बीच उसकी पूंछ कुल्हाड़ी में फंस गई। अरे अरे मैं ये क्या अरे अरे यह क्या, मेरी पूंछ बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुन लकड़हारा दौड़ता हुआ लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचा। लकड़हारे को आता देख बंदर और भी तेज भागने की कोशिश करने लगा। बस इसी बीच उसकी पूंछ के दो टुकड़े हो गए और वह दर्द से चिल्लाता रहा, वहां से भाग खड़ा हुआ। बचाओ, मेरी पूंछ कट गई, बचाओ, भागो यहाँ से, भागो, ये मैंने क्या किया। शेर और मूर्ख गधा। एक जंगल में शेर अपनी सलाहकार भेड़िये के साथ रहता था। वह दोनों बहुत प्यार से एक साथ रहते थे। एक बार किसी युद्ध में शेर और भेड़िया पूरी तरह घायल हो गए। वह दोनों किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर पाते थे। एक दिन शेर ने भेड़िये से कहा, दोस्त मैं अब शिकार नहीं कर सकता, पर क्या तुम मेरे लिए एक जानवर यहाँ ला सकते हो जिसे हम खाकर अपनी भूख मिटा सकें? जी हजूर, मैं अभी लाया। भेड़िया जंगल में किसी जानवर की खोज करने लगा। वह चलते चलते एक गांव में पहुंच गया। वहां उसे एक गधा दिखा। वह बहुत दुखी था। भेड़िये ने उससे पूछा, भाई तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे मालिक मुझसे बहुत काम कराते हैं, वे बदले में हरी घास भी मुझे खाने नहीं देते। तुम मेरे साथ चलो, जंगल में मेरा मालिक सभी जानवरों को खुश रखता है, वहाँ तुम हरी घास भी खा सकते हो। गधे को भेड़िये पर विश्वास हो गया और वह उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। शेर बहुत भूखा था। जैसे ही भेड़िया गधे को लेकर आया, शेर उससे झपट पड़ा। गधा वहाँ से भाग गया। हजूर आप थोड़ा धीरज रखें, मैं उस गधे को वापस लाता हूँ, पर इस बार जब जरूरत लगे तभी शिकार करना। भेड़िया गधे के पास वापस गया। भाई तुम भाग क्यों गए? वो तो एक गधी थी जिसने काफी समय से कोई गधा नहीं देखा था। वापस चलो और अब भागना मत। सच में? मुझे तो लगा कि कोई शेर है। चलो चलो चलते हैं। गधा भेड़िये के साथ शेर के पास चला गया। सही समय मिलते ही शेर ने गधे को मार दिया। शेर जब नदी के पास हाथ धोने लगा, भेड़िये को बहुत भूख लगी थी। गधे को देख उसकी जीभ से पानी टप टप करके गिरने लगा। उसने आओ देखा ना ताओ और गधे के दिमाग को खा गया। जब शेर वापस आया तब वह भेड़िये से पूछने लगा, गधे का दिमाग कहाँ गया, तुमने खाया है क्या? भेड़िये ने जवाब दिया, नहीं नहीं हुजूर, गधे का दिमाग होता ही नहीं है, अगर होता तो ये यहाँ नहीं होता और वापस आने की बेवकूफी भी नहीं करता। और इसी तरह शेर और भेड़िये ने अपना पेट भर लिया। आलसी गधा। एक नमक का व्यापारी गांव में रहता था। वह नमक की बोरियां शहर जाकर बेचता था। उसके पास एक गधा भी था जो बहुत आलसी था। व्यापारी अपने गधे का
बहुत ध्यान रखता था, उसे अच्छा खाना भी देता और बहुत प्यार भी करता। गधा बहुत ही आराम परस था। एक दिन जब व्यापारी नमक की बोरियां लेकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी आई। व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार करने लगा। तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह पानी में गिर पड़ा। बोरियों का सारा नमक भी पानी में गिर गया और घुल गया। अरे मेरी बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई? अरे ये क्या, सारा नमक बर्बाद हो गया। अब तो शहर जाने का कोई फायदा नहीं, अब गांव ही वापस चलते हैं। चलो भाई गधे। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज तो काम से भी छुट्टी और बोरियों का भी भार कम। अगले दिन जब दोबारा व्यापारी बोरियां गधे पर लादकर शहर की तरफ चला, तब गधे को काम से बचने का एक उपाय सूझा। क्यों ना आज जान पूछ कर गिर जाऊं, काम से भी बच जाऊंगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। अब व्यापारी को भी गधे पर शक होने लगा, क्योंकि उसकी बहुत सी बोरियां पानी में घुलकर बर्बाद हो चुकी थी। व्यापारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तभी व्यापारी ने एक तरकीब निकाली। इस बार व्यापारी ने नमक की जगह बोरियों में रुई भर दी। इस बार जैसे ही गधा पानी में गिरा तो बोरियां और भारी हो गईं। यह देख गधा परेशान हो गया। अरे अरे आज ये क्या हुआ, बोरियां इतनी भारी कैसे हो गईं? लगता है सेठ जी को मुझ पर शक हो गया है। बहुत दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, समझे? समझ गया सेठ जी, समझ गया। एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गोरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी, उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या, ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है, मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं बल्कि वह टप्पा खाने लगा,
जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। Please subscribe.